दोस्तों रंजीता कुमारी को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इस समय सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हैं और खास करके इंस्टाग्राम पे। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो उनके इंस्टाग्राम पे इस समय मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और व्यूज देखेंगे तो काफी बढ़िया व्यूज आ रहा है, मिलियन में उनका व्यूज आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि भोजपुरी के सुपर स्टार इस समय रंजीता के घर पे आ रहे हैं, कोई उनको कार गिफ्ट दे रहा है तो कोई उनको पैसे दे रहा है, इस तरीके का खबर आ रहा है। और पवन सिंह आ रहे हैं, केशारी लाल आ रहे हैं, यहाँ तक कि अक्षरा सिंह भी आई थी, ऐसा खबर चलाया जा रहा है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई वायरल होता है तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं और काफी गलत गलत खबर जो है वो चलाने लगते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो वायरल हुए थे और इस समय उनका नामो निशान नहीं है। तो क्या रंजीता भी ऐसे खत्म हो जाएगी या आगे तक चलेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूंगा रंजीता कुमारी को कि अपने कंटेंट में कुछ अलग करिए। अगर आप कुछ अलग नहीं करेंगी तो आपका भी अस्तित्व एक दिन सोशल मीडिया से हट जाएगा। अगर आप कंटेंट बना के डालेंगे तो यही जो व्यूअर है, यही जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको बराबर फॉलो करेंगे और आपको देखेंगे। कुछ अलग करने की कोशिश करिए, और नहीं तो फेस वैल्यू अभी है, कल के डेट में आपका फेस वैल्यू खत्म हो जाएगा और फिर वही जहां पे आप थी वहीं पे रह जाएंगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वायरल हुए थे, वो आज उनका जो दिन है वो बहुत ही बेकार है। जैसे रानू मंडल को ही ले लीजिए, कच्चा बादाम को ले लीजिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वायरल हुए थे लेकिन आज के दिन उनकी जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से एक आम इंसान की तरह हो गया है, उनको कोई भी नहीं देख रहा है। और जब से आप वायरल हुए हैं तब से आपके बॉयफ्रेंड भी हो गए हैं, तो वायरल होने के बाद देखिए तमाम लोग पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है जिसके अंदर टैलेंट होता है लोग उसी के पीछे भागते हैं। तो एक रोना जो है वो शायद आपका टैलेंट था, लेकिन इस तरीके का जो वीडियो चलाया जा रहा है कि पवन सिंह आपके घर पे आए थे, पैसे आपको दिए थे, केशारी लाल आए थे, वो भी आपको कार गिफ्ट करके गए थे, और ऐसी खबर पे देखा जाए तो काफी ज्यादा व्यूज भी आते हैं। अभी हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देंगे, आप लोग देखिएगा, काफी ज्यादा व्यूज भी आ रहा है। इस तरीके का जो फेक वीडियो बना रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और रंजीता कुमारी के बारे में आपका क्या कहना है, आप लोग एक बार जरूर कमेंट करिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।